पुनीत भाई की हालत थोड़ी मुझे खस्ती लग रही है। पुनीत भाई चल जाओगे ना थोड़ा और? बिल्कुल शर्म नहीं आती तुम्हें? हाय गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज मैं ना बहुत ज्यादा खुश हूँ, बिकॉज आप लोगों को ना एक अपडेट देना है, फैमिली अपडेट देना है। रिसेंटली साइकिलिंग स्टार्ट करी है, तो बहुत सारे इंस्टाग्राम में ना स्टोरीज में रिप्लाई आ रहे थे कि आप अपने आसपास का वीडियो बनाओ, माउंटेन्स वगैरह सब दिखाओ। तो मैंने सोचा इस न्यूज को बताने के लिए आप लोगों को बाहर घुमाया जाए। मैं भी बहुत दिनों बाद एक्चुअली घर से बाहर निकल रहा हूँ। इस न्यूज को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें, बिकॉज फैमिली मैटर है, देखना और जानना जरूर बनता है। और फिलहाल मेरा फ्रेंड आ रहा है पुनीत पुलिकोटी से, और हम लोग यहाँ से साथ में निकलने वाले हैं। आ गया क्या ए लड़के? पुनीत मेरा बहुत पुराना दोस्त, घूमने तो हम बहुत जाया करते थे, बट निकलते किसी और जगह अकेले थे और पहुंच कहीं और ही जाया करते थे। तो आज का दिन कैसे अलग होना था। तो आज भी हम घर से निकले तो थे नैनीताल के लिए, बट समहाउ प्लान चेंज हो गया और हम लोग पहुंच गए छोटा कैलास। तकरीबन 3 महीने पहले मैं हल्द्वानी शिफ्ट हो गया था, और जब से मैं हल्द्वानी आया हूँ मेरे मन में एक ही तमन्ना थी कि छोटा कैलास का ट्रैक करना है। और आज फाइनली वो मौका मिला और मैं छोटा कैलाश का ट्रैक करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, उत्तराखंड की रोडों में घूमने का एक फायदा जरूर है कि आपको जगह जगह पे बहुत ही सुंदर सुंदर पानी के झरने देखने को मिल जाएंगे। कैसा लगा उत्तराखंड में की नेचुरल ब्यूटी? औसम। कितने दिनों के लिए आए हो आप? मैं यहाँ पर 7 दिन की ट्रिप के लिए आया हूँ। चलो बढ़िया बढ़िया। अभी कहाँ जा रहे हो इसके बाद? नैनीताल, देन रेनीखेत, उसके बाद यहाँ के जो फेमस है। अच्छा अच्छा, वहाँ चलो बढ़िया बढ़िया। चलो बढ़िया यार, और मास्क वास्क लगा के रखो थोड़ा। बिल्कुल। कहाँ तक ले जा रहे हो ये बता दो हमें पहले आप। बस ये रोड बनाइए, गवर्नमेंट चलते रहेंगे इसके नेपाल बॉर्डर तक। भैया ये आ गई है वाटर क्रॉसिंग, देख लो भैया ऐसी होती पहाड़ों में वाटर क्रॉसिंग। ओ भाई यहाँ से यार मुझे लगा लेफ्ट लेना होगा, देखो तो वहाँ कहीं लिखा नहीं है क्या? तो भाई बेसिकली रोड जो है ना पूरी खाली रहती है, तो यहाँ से एक टर्न आया तो वहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा हुआ है कैसे जाना है कहाँ जाना है। तो वैसे हमको एक पीछे आदमी ने बोला था कि ऐसे करके हाथ से इशारा किया था, तो हमने गूगल मैप में चेक किया, तो इस रोड जो ये टर्न दिख रहा है आपको यहाँ से कटना नहीं है, सीधे निकल जाना है। कैसा? तो अब चलते हैं आगे की ओर। ये कलाकारी दिखा रहा है, ये देखो, ये देखो कैमरा देखती है कलाकारी। चलो आंटी जी, आंटी ये छोटा कैलाश के लिए रास्ता कहाँ से होगा? ये सीधे कितना आगे होगा? वो गाड़ी वहां खड़ी करने की जगह होगी है? धन्यवाद। आपके वहीं लगा देते हैं फिर, प्रसाद प्रसाद आपके वहीं से ले लेंगे ना। यहाँ मास्क वास्क नहीं चल रहा क्या? चल रहा है। सो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। ये एक यहाँ पे आपको गेट दिखेगा पीछे, जैसा कि आप वो देख रहे हैं, तो इस गेट से अंदर आना है। अंदर आते यहीं पे लास्ट पॉइंट है जहाँ तक बाइकें गाड़ियाँ वगैरह जाती है। गाड़ी तो मुश्किल है आना यहाँ पे, मतलब आ सकती है बट थोड़ा टफ है। बट बाइक अगर आप लेके आते हो यहाँ पे आप खड़ी कर सकते हो, एक दुकान है बहुत बढ़िया यहाँ पे, यहाँ से प्रसाद वगैरह ले लो, अंकल जी को थोड़ा खुश कर दो दे के, यहाँ गाड़ी अपनी खड़ी कर लो बढ़िया करके, प्रसाद वसाद लेके यहाँ से फिर पैदल मार के स्टार्ट होता है। बढ़िया यहाँ दुकान बनी हुई है अंकल की, बढ़िया इन्होंने चित्र चित्रण बढ़िया कर रखा भगवान जी का। 3 किलोमीटर का रास्ता यहाँ से पैदल है, 3 किलोमीटर की चलाई है कह रहे अंकल जी। देखते हैं पुनीत भाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देखते हैं। हम तो ये ट्रैकर आदमी है, ये तुम देख लेना भैया अपना मास्क लगा के, देखते देखते अभी। सो गाइस हमारी ट्रैकिंग हो गई स्टार्ट 3.5 किलोमीटर की। तो बेसिकली प्लान जो हमारा काफी दिनों से था, हम डिस्कस भी कर रहे थे क्यों पुनीत? बिल्कुल यार, फोन पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे यार वहां से रास्ता कहाँ से क्या है, हमने वीडियो भी देखी थी। तो हमने कहा चलो आज जाते हैं, तो संडे के मजे भी कर लिए जाएं और थोड़ी ट्रैकिंग भी हो जाएगी है कि नहीं है, और दर्शन भी हो जाएंगे और टॉप व्यू भी आपको दिखाया जाएगा छोटा कैलाश का।
सो रास्ता तो ऐसी ही है, देख लो यार, पथरीला है और चढ़ाई भरपूर है, आवाज से सांसों से पता लग ही रहा होगा। तो, लेकिन यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा है यार, ये बात तो माननी पड़ेगी यार। क्यों भाई, यहाँ से हमें एक फर्स्ट व्यू मिला है छोटा कैलाश की चोटी का ना, ये देखो, हाँ ये है, यहाँ टॉप पे जाना है हमें हाइक करके, वो रास्ता भी दिख रहा होगा, देखो तो जरा, हाँ वो दिख रहा ना। तो ये पुनीत भाई जा रहे हैं अपना धीरे धीरे, पीछे से हम लमालम लगे हुए हैं। भाई ये तो रड़ने वाला हो रहा है, एकदम रड़ने वाला हो रहा है, रड़ने वाला फिसलने वाला नहीं हो रहा। तो गाइस बस इसी की कमी थी, रास्ता भटक गए थे, तो किसी ने गांव में आवाज़ लगा के बताया भैया रास्ता भटक गए हो, तो उन्हें बताया थोड़ा वापस जाके आगे से राइट टर्न ले लेना, तो वापस जा रहे हैं राइट टर्न लेने के लिए। ये एक थोड़ी सी समस्या है, अगर आप आते हो यहाँ पे आपको थोड़ा पूछ पूछ के आना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर गप्पो गप्पो में हमारे जैसे निकल के आगे को तो कहीं को किसी के घर ही पहुँच जाओगे सीधे, किसी के घर के आंगन में पहुँच रहे हो, वो कह रहे कौन आ गए आए मेहमान। मतलब ठीक सा लग रहा है, ट्रैक तो बढ़िया है और रास्ता भी ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रैक है, आना बनता है एक बार ज़रूर। तो मतलब ऐसा है कि अगर आप लोग उत्तराखंड आ रहे हो और हल्द्वानी में अगर आपका स्टे है एक या दो दिन का, तो एक राउंड ज़रूर आना, यहाँ पे काफ़ी सही जगह है, अमेजिंग नेचर व्यूज़ हैं और ट्रैक भी ईजी है, छोटा सा ट्रैक है और ऊपर टॉप में मंदिर भी है, शिव जी के दर्शन करोगे। छोटा कैलाश बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे, शिवरात्रि के दिन काफ़ी भीड़ भी रहती है। श्री कैलाश पर्वत धाम, ओम नमः शिवाय, शिव भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। बस प्लास्टिक न ले जाए, बस ये बड़ी अच्छी बात लिखी यार इन्होंने, ये दिल खुश कर दिया इस बात को लेके, प्लास्टिक के बारे में जो बताया है ना कि भैया प्लास्टिक ना ले जाएं, बहुत अच्छी बात है। हाँ रख दे यार, अब मार्चिस तो है नहीं, क्या करें फिर, पंडित जी आएंगे तो चढ़ा देंगे अपने आप। सो गाइस थोड़ा सा ऊपर चल के एक रेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे छाता सी बनी हुई है, यहाँ से व्यू पॉइंट है बेसिकली, चारों ओर 360 व्यू दिख रहा है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिख रही है। तो पुनीत भाई मज़ा आ रहा, नहीं आ रहा है? बहुत ज़्यादा। पुनीत भाई कह रहे हैं कि सारा वर्कआउट एक दो महीने का आज निकल गया है। यहाँ रेस्टरूम होना चाहिए, उसे एक रेस्टरूम होना चाहिए, यहाँ के पहले होटल कर लूँ एक दिन का, फिर आगे जाओ। देख रहे हो भाई, दो तीन किलोमीटर में क्या हाल है। बेटा हाल तुम्हारा भी, मुझे सांस रोक के बात कर रहे हो। मतलब तीन महीने से घर के अंदर बैठा था मैं, आज जब बाहर निकला हूँ ना तो, और दो तीन किलोमीटर चला हूँ चढ़ाई में, टोटली वर्थ इट। बादल भी चल रहे ना ऊपर, देख तो हिटे पे माठू मठ। सो भाई चलते चलते हम लोग पॉइंट पे पहुंचे, यहाँ से ना एकदम ये व्यू तो अमेजिंग लग ही रहा है, यहाँ पे छाया है थोड़ी, तो जो ठंडी सी हवा का झोंका हमको टकराया है ना एसी की माफिक, हम अपने आप को रोक नहीं पाए यहाँ पे बैठने से। तो फिलहाल हम यहाँ पे कुछ दो मिनट का रेस्ट लेते हैं, पुनीत भाई की हालत थोड़ी मुझे खस्ती लग रही है। पुनीत भाई चल जाओगे ना थोड़ा और? बिल्कुल शर्म नहीं आती तुम्हें। सो गाइस चलते चलते हमें तकरीबन एक घंटा हो गया है और एक घंटे में हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर। थोड़ी सी धूप है तो मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, अदरवाइज तो 20 मिनट 25 मिनट या फिर 45 मिनट से ज़्यादा का ट्रैक नहीं है। पार्ट करके थोड़ा सा आगे आ गए, यहाँ पे जो व्यू पॉइंट है काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं लोग कि आगे से अच्छा व्यू है, और साथ ही साथ में यहाँ पे एक बाबा जी की कुटिया भी है जो मंदिर की देखरेख करते हैं, उन बाबा जी की कुटिया भी यहीं पर है, और पानी की टंकी भी है, तो पानी की व्यवस्था भी है, अगर आप पानी भूल गए हो तो आप हमको पानी मिल जाएगा, हमने अभी पानी भी पिया। तो फिलहाल अभी देखते हैं आगे से व्यू कितना ज़बरदस्त है, फिर बैठ के करते हैं बात जिसका जिक्र मैंने अपने घर पर आप लोगों से किया था। सो भाई ये जो व्यू पॉइंट है आपका, ये मंदिर से थोड़ा सा आगे जाके मिलता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था अमेजिंग व्यू पॉइंट है यहाँ पे, दो नदियों का संगम है, इसमें से एक नदी जो आगे की तरफ जा रही है हल्द्वानी की तरफ, ये गोला है, बहुत ही अमेजिंग एरोमा है, मतलब इतनी शांति ना, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो दोस्तों ये जो सामने दिख रहा है ये पूरा हल्द्वानी दे रहा है, आई थिंक कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि अपडेट क्या है, फैमिली में कौन नया मेंबर आया है। तो मैं बताता हूँ कि ये बात जो थी ना कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कि जब मैं कुछ साल पहले मेरे दिल में एक तमन्ना जगी थी कि यार एक चीज करनी है, एक चीज लेनी है,
तो काफी टाइम से मैं सोच रहा था लूंगा और यू नो काफी प्लान्स भी करे मैंने, थोड़ा एक टारगेट सेट किया था कि इतने टाइम बाद लूंगा। फिर मैंने सोचा कि यार एक्चुअली एक चीज है ना, मैं कभी भी कभी क्या होता है कि जैसे बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग जब करता हूँ या बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी अपने बॉडी को बहुत पेन दे रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैं आपको एक अच्छा गिफ्ट देता हूँ। हमेशा मेरा यह है, चाहे वो छोटा गिफ्ट हो या बड़ा गिफ्ट हो, लेकिन देता हूँ। तो इस टाइम भी ऐसा कुछ स्थितियाँ ऐसी बन गई थी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और बहुत सारे प्रेशर्स थे, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, तो अभी मुझे लगा कि एक गिफ्ट देना चाहिए अपने आपको, और काफ़ी साल से एक चीज़ पेंडिंग थी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो देखी ली होगी, मैंने भी ड्रोन खरीद लिया है, DJI Mavic Mini। आई होप आप लोगों को वो वीडियो क्लिप्स पसंद आई होगी, अभी मैं बहुत नया हूँ, हाथ इतना सेट नहीं है, फिर भी आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और अब आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रोन के शॉट्स भी वीडियोस में देखने को मिलेंगे मेरे वीडियोस में। और बाकी इसकी अनबॉक्सिंग, अगर इसकी कोई भी डिटेल चाहिए कि मैंने कैसे लिया, कहाँ से लिया और क्या क्या है रूल्स रेगुलेशन वगैरह वगैरह, आप मेरे को अगर ऐसा है तो कमेंट करके बता देना, एक इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा अनबॉक्सिंग के साथ, सारी डिटेल के साथ। और बाकी तो ये है, फिर अभी काफ़ी टाइम हो गया है हमें यहाँ पे, हमने खूब यहाँ पे ड्रोन उड़ाया, खूब प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस का मतलब घुमाया, बड़ा मज़ा आया, थोड़ी सी डर भी लग रही थी, थोड़ा दूर चले जा रहा था ना तो ऐसा लगता साला खो गया, मतलब वो एक होता है ना एक अलग ही टाइप का फीलिंग था, फर्स्ट टाइम इतना डिस्टेंस में उड़ाया, हालांकि घर में बहुत प्रैक्टिस कर रहा था, एक बार क्रैश भी कर दिया था, बट या बड़ा मज़ा आया, काफ़ी अच्छी फीलिंग हुई, मतलब काफ़ी सालों से सोचा था, आज फाइनली वो तमन्ना पूरी हुई, वो भी भोलेनाथ के दरबार में, इससे बड़ा क्या हो सकता है, और आप बताइए। साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।